आप जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि कल बीती रात सांबा में एक घर से जो है टीआरएफ का एक आतंकी, जो कि पिछले साल बताया जा रहा है कि कुलगाम में हुई 3 हत्याएं, यानी कि 3 जो बीजेपी कार्यकर्ता थे उनकी हत्या में शामिल था, और साथ ही साथ 1 पुलिसकर्मी जो शहीद हुआ था उसकी शहादत में भी उसका बड़ा हाथ था, जिसका नाम जो है आपको बता दें कि जो टीआरएफ का आतंकी बताया जा रहा है जहूर अहमद जो है राठौर, उसका नाम बताया जा रहा है उर्फ, जो अलग अलग नाम उसके बताए जा रहे हैं जिसमें उसका नाम उर्फ खालिद या साहिल बताया जा रहा है, जो लगातार पुलिस के रडार पर था। और कल इनपुट्स मिलने के बाद जो है एक जॉइंट ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस के, आपको बता दें कि सांबा पुलिस और साथ ही साथ जो अनंतनाग पुलिस है उसके पास इनपुट था, उसके बाद एक घर पर छापेमारी करने के बाद जो है इस आतंकी को पकड़ा गया है। एक बड़ी जीत जो है कहीं ना कहीं मिली है, और इस समय आपको बता दें कि लगातार उस आतंकी से जो है इंटेरोगेट किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, ताकि उससे और जो इंफॉर्मेशन हैं वो कलेक्ट की जा सके और इंफॉर्मेशन उससे निकाली जा सके कि वो किन मंसूबों से जो है यहाँ पर छुपकर बैठा था, क्या आगे की उसके प्लान्स थे, उन सब पर जो है लगातार कोशिश की जा रही है और एक बड़ी कामयाबी मिली है। इससे पहले भी अगर बात करें तो कश्मीर पुलिस के इनपुट्स पर ही कुछ दिन पहले कुंजवानी में भी एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया था, कुंजवानी से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया था। लगातार कई इनपुट्स जो हैं वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस पर, और आज एक दूसरी कामयाबी जो है वो सामने आई है, जो कि आपको बता दें कि सांबा ज़िले के बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पर जो पुलिस है उसके द्वारा एक बड़ी कामयाबी, और साथ ही साथ अनंतनाग पुलिस द्वारा जो कि एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया उस दौरान जो है इस आतंकी को पकड़ा गया है। टीआरएफ का एक आतंकी बताया जा रहा है। टीआरएफ की अगर बात करें तो जैश बता दें आपको कि लश्करे तैयबा का जो एक संगठन है उसका ही एक हिस्सा है, और उसका एक नामी जो आतंकी जो लगातार जो है रडार पर था उसे पकड़ लिया गया है, उसकी गिरफ्तारी हुई है, और अब कई बड़े इनपुट्स जो हैं उनसे मिलने की कोशिश की जा रही है, उससे पता करने की कोशिश की जा रही है कि वो किन मंसूबों के साथ जो है यहाँ पर था, जम्मू के अंदर छिपा हुआ था, और क्या उसके आगे प्लान्स थे, क्या कोई बड़ा प्लान जो है वो करने वाला था, कोई एक बड़ा जो कह सकते हैं हादसा जो है वो अंजाम पेश करने वाला था। परंतु जो पुलिस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा जो इनपुट्स मिले उन्हें उसके द्वारा उन्होंने जो है एक बड़े हादसे को टाल दिया है। जहूर अहमद राठर जो कि एक आतंकी टीआरएफ का उर्फ खालिद उर्फ जो साहिल के नाम से लगातार पुलिस की रडार पर था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, कल बीती रात गिरफ्तार किया गया था। इसका नाम जो है आपको बता दें कि 3 बीजेपी कार्यकर्ता जिनकी पिछले साल जो है हत्या की गई थी कुलगाम में, वहां उन्हें गिरफ्तार किया गया था, और इसके साथ साथ ही 1 जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे उनकी शहादत में इसका एक बड़ा नाम था। और आज अगर बात की जाए तो बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस के नाम पर आई है। अब देखना ही होगा कि आगे इंटोग्रेशन पर क्या क्या चीज़ें हासिल होती है, क्या क्या उसे पता करने की कोशिश की जाती है, वो अभी इस पर कोई भी जो है पुलिस द्वारा नहीं बताया गया है। परंतु वहीं अगर कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार की बात की जाए तो उन्होंने बताया है कि पुलिस की एक टीम ने जो है 12 और 13 फरवरी की रात जो थी सांबा ज़िले से टीआरएफ के आतंकी जहूर अहमद राठर उर्फ साहिल उर्फ खालिद को गिरफ्तार किया है, और उन्होंने ये भी साफ किया कि जो टीआरएफ है लश्करे तैयबा का ही संगठन है, और लगातार जो है इस आतंकी को पकड़ने के लिए कोशिश की जा रही थी, रडार पर था, और आज वो कामयाबी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को मिल चुकी है। साफ तौर पर अब जो है आगे पूर्ण रूप से कोशिश की जाएगी कि जो भी इसके पास इनपुट्स हों, जो भी इसके पास इंफॉर्मेशन हों वो कलेक्ट की जा सके, ताकि पूर्ण रूप से आगे जो भी इसके प्लान्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं रोका जा सके, वो सारे प्लान्स पर जो है पानी फेरा जा सके। तो ये हम आपको जो है खास रिपोर्ट बता रहे थे बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन के बाहर से, जहाँ पर इस आतंकी को लाया गया, यहाँ से इसकी लगातार इस पर इंटरोगेशन की जा रही है, और आप भी इसी तरीके से बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।